मैच से कुछ घंटों पहले ही धोनी ने घोषित की चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 इस दिग्गज को मिलेगा पहली बार टीम में मौका। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होने वाला है। ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए करो या मरो वाला होगा। चेन्नई सुपर किंग्स को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी थोड़ी बहुत उम्मीदों को बनाए रखना है तो उसे बाकी बचे हुए तीनों ही मुकाबलों को बड़े अंतर से जीतना होगा। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में पहली बार प्रशांत सोलंकी को शामिल किया जाएगा। प्रशांत सोलंकी एक युवा लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, हालांकि उन्हें इस सीजन में एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला। रविंद्र जडेजा के चोटिल होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स एक स्पिन गेंदबाज की तलाश में है और प्रशांत सोलंकी इस तलाश को पूरा कर सकते हैं। प्रशांत सोलंकी के प्लेइंग 11 में शामिल होने के बाद रॉबिन उथप्पा को बाहर किया जा सकता है। रॉबिन उथप्पा ने इस सीजन में सिर्फ दो ही अर्धशतक लगाए हैं और उनका बल्ला खामोश रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स इसी एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरेगी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 को देखें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, शिवम दुबे, अंबाती रायडू, मोइन अली, MS धोनी, ड्वेन ब्रावो, महेश तीक्ष्णा, प्रशांत सोलंकी, सिमरनजीत सिंह और मुकेश चौधरी को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।